धार क्राइम ब्रांच एवं पुलिस ने बरसों से हत्या, लूट, डकैती और मारपीट सहित चोरी, नकबजनी सहित कुल 24 गंभीर अपराधों में शामिल फरार 5 बदमाशों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। मामले का खुलासा करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता के माध्यम से धराए गए सभी आरोपियों के मामले में जानकारी देते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच प्रभारी संतोष पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि जामदा भूतिया के 5 बदमाशों की जंगमई हथियारों से कहीं वारदात के लिए निकलने की सूचना के बाद विभिन्न थाना क्षेत्रों के अधिकारियों की मदद से सरदारपुर क्षेत्र से पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पकड़ाए सभी आरोपी सरदारपुर थाना, टांडा थाना और गंधवानी थाना में 14 डकैती एवं हत्या सहित डकैती, 3 लूट, 3 हत्या के प्रयास में, 1 मारपीट, 1 चोरी और 1 नकबजनी सहित कुल 24 गंभीर अपराधों की घटनाओं में कई वर्षों से फरार थे, जिनको लेकर पुलिस ने सभी को मिलाकर 1,75,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। काफी लंबे समय से इनकी तलाश भी की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे मामले की जानकारी दी है। आज क्राइम ब्रांच था और सरदारपुर पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है डकैती की तैयारी में। इसमें जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसमें मेहरू, कैलाश, नवल, जबर सिंह और मुकेश 5 लड़के गिरफ्तार हुए हैं जो जामदा भूतिया के रहने वाले हैं। और इन लोगों से 1 देशी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, 2 धारदार लोहे का फलिया, 1 लोहे की टॉमी, 1 डंडा, 2 चोरी की मोटरसाइकिलें, 1 मोबाइल, कुल मशरू का करीब 1,10,000 रुपये रिकवर हुआ है। और इनमें मेहरू पे 70,000 का इनाम है, कैलाश पे 30,000 का, नवल पे 31,000 का, जबर सिंह पे 39,000 का और मुकेश पे 5,000 का। इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनसे करीब 14 डकैती, 1 हत्या, 3 लूट, 3 हत्या के प्रयास, 1 मारपीट, 1 चोरी, 1 नकबजनी, कुल 24 अपराध में अभी तक फरार हैं और इन पे 2-3 अपराध और पंजीबद्ध होंगे तो करीब 27 अपराध में ये लोग फरार हैं। इसमें से एक आरोपी जबर सिंह है वो 95-96 से फरार है और जो बाकी अन्य आरोपी है वो 14 से 17-18 से करीब 2-3 साल से फरार है। देखिए लगातार पुलिस काम कर रही है, जो भी अपराध होता है उसको ट्रेस करने का प्रयास किया।